भर में। हाय फ्रेंड्स, तो आज के वीडियो में हम जानेंगे कि कैसे आप अपने मोबाइल फ़ोन में इस तरीके का व्हाट्सअप स्टेटस बनाना चाहते हो, हैप्पी बर्थडे वाला, तो आप कैसे बना सकते हो। ठीक है, तो चलिए हम अपना वीडियो स्टार्ट करते हैं। अगर आप मेरे चैनल में नए हो तो प्लीज़ मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिएगा। तो आपको सबसे पहले करना क्या होगा, यहाँ पर देखिए आपके अपने मोबाइल फ़ोन में काइनमास्टर ओपन कर लेना है। काइनमास्टर ओपन करने के बाद यहाँ पे प्लस के साइन पे चले जाना है। जिस भी रेशो में आपको वीडियो बनानी है वो रेशो आपको सेलेक्ट कर लेनी है। ठीक है, यहाँ पे मैं 16:9 के रेशो को सेलेक्ट कर लेती हूँ। उसके बाद आपको सिंपली करना क्या होगा, यहाँ पे देखिए आपको मीडिया में चले जाना है। मीडिया में जाने के बाद यहाँ पे से आपको कुछ फ़ोटोज़ ले लेनी है। ठीक है, मैं यहाँ पे से कुछ फ़ोटोज़ ले लेती हूँ। ठीक है, इस तरीके से आपको भी सभी कुछ फ़ोटोज़ ले लेने हैं। फ़ोटोज़ लेने के बाद आपको सिंपली यहाँ पे इस फ़ोटोज़ को सेलेक्ट कर लेना है। सेलेक्ट करने के बाद इसे अच्छे से एडजस्ट कर लेना है कुछ इस तरीके से। उसके बाद इज इक्वल टू के साइन पे क्लिक कर देना है। ठीक है, इसी तरीके से आपको सभी फ़ोटोज़ में जाना है, यहाँ पे से इसे फ़ोटो को एडजस्ट कर लेना है। एडजस्ट करने के बाद इज इक्वल टू के साइन पे क्लिक कर देना है। ठीक है, कुछ इस तरीके से। उसके बाद आपको सिंपली करना क्या होगा, यहाँ पे देखिए ये जो फ़ोटो के बीच में जो स्पेस है उस पर चले जाना है। वहाँ पर जाने के बाद यहाँ पे देखिए आपको एक इफ़ेक्ट ले लेनी है। यहाँ पे से आपको मैं बता देती हूँ कौन सी वाली इफ़ेक्ट्स। यहाँ पे देखिए बार इरेज वाली, ठीक है, इसे यहाँ पे देखिए सेलेक्ट कर लेना है। उसके बाद यहाँ पे फर्स्ट वाली इफ़ेक्ट्स है वही लगा देनी है आपको सभी में, वहीं वैसे ही कर देना है आपको सभी फ़ोटोज़ के जो बीच में जो स्पेस है उस पर चले जाना है। फिर यहाँ पे से बार इरेज वाली इफ़ेक्ट्स ले लेनी है और वाली इफ़ेक्ट्स आपको सभी में लगा देनी है। ठीक है, ठीक है, कुछ इस तरीके से। उसके बाद आपको सिंपली सभी फ़ोटोज़ को थोड़ा छोटा कर लेना है कुछ इस तरीके से। सभी फ़ोटोज़ को छोटा करने के बाद आपको सिंपली इस वाली वीडियो को आपको एक्सपोर्ट कर लेनी है। ठीक है, यहाँ पर देखिए जो मेरी वीडियो थी वो एक्सपोर्ट हो चुकी है। उसके बाद सिंपली आपको बैक चले जाना है। यहाँ पे देखिए आपको फिर से प्लस के साइन पे चले जाना है। यहाँ पे 16:9 के रेशो को सेलेक्ट कर लेनी है। उसके बाद यहाँ पे देखिए आपको मीडिया में चले जाना है। मीडिया में जाने के बाद यहाँ पे से आपको एक फ़ोटो ले लेनी है। ठीक है, यहाँ पे देखिए मैं एक फ़ोटो ले लेती हूँ। ठीक है, कुछ इस तरीके से। उसके बाद यहाँ पे इस फ़ोटो को सेलेक्ट कर लेना है। उसके बाद यहाँ पे कुछ इस प्रकार से इस फ़ोटो को एडजस्ट कर लेनी है। ठीक है, उसके बाद यहाँ पे देखिए इज इक्वल टू के साइन पे चले जाना है, इसे क्लिक कर देना है। इसको लेयर में चले जाना है, यहाँ पे इफ़ेक्ट्स पे चले जाना है। इफ़ेक्ट्स में जाने के बाद यहाँ पे बेसिक इफेक्ट वाली इफ़ेक्ट ले लेनी है। ठीक है, ये ब्लर वाली, और इसे फुल स्क्रीन कर देना है। फुल स्क्रीन करने के बाद यहाँ पे इसे टिक कर देनी है। इसे एक्सटेंड कर लेना है जहाँ तक आपको वीडियो चाहिए। ठीक है, उसके बाद आपको सिंपली करना क्या होगा, यहाँ पर देखिए आपको इस फ़ोटो को क्लिक कर देना है। उसके बाद यहाँ पे इसकी विग्निटी ऑन कर देनी है। विग्निटी ऑन करने के बाद यहाँ पे लेयर में चले जाना है, मीडिया में जाना है। मीडिया में जाने के बाद आपको एक इफ़ेक्ट ले लेनी है। यहाँ पर देखिए ये वाली इफ़ेक्ट्स आपको ले लेनी है, हैप्पी बर्थडे वाली। उसके बाद इसे फिट टू स्क्रीन कर देना है। फिट टू स्क्रीन करने के बाद ये वाली इफ़ेक्ट्स को आपको क्लिक कर देनी है। क्लिक करने के बाद यहाँ पे देखिए आपको ऑप्शंस मिल जाएगा, आपको ब्लेंडिंग पे चले जाना है। ब्लेंडिंग में जाने के बाद यहाँ पे इसे स्क्रीन कर देना है। ठीक है, स्क्रीन करने के बाद यहाँ पर देखिए आपको लेयर में चले जाना है, मीडिया में चले जाना है। अभी जो आपने वीडियो एक्सपोर्ट करी थी वो वीडियो ले लेनी है, आपको इसे छोटा कर लेना है। उसके बाद यहाँ पर देखिए इसे लेयर पे चले जाना है, यहाँ पे हैंडराइटिंग पे चले जाना है। ठीक है, यहाँ पे से आपको बॉक्स सेलेक्ट कर लेनी है। बॉक्स सेलेक्ट करने के बाद यहाँ पर देखिए आपको इसका बॉक्स बना देना है। ठीक है, कुछ इस तरीके से बॉक्स बनाने के बाद आपको इसे टिक कर देना है। ठीक है, उसके बाद आपको सिंपली करना क्या होगा, यहाँ पर देखिए ये वाली फ़ोटो है उसे रोटेट कर देनी है कुछ इस तरीके से। ठीक है, इस तरीके से रोटेट कर देनी है। रोटेट करने के बाद यहाँ पे जो बॉक्स थी उसे भी आपको यहाँ पे लगा देनी है कुछ इस तरीके से। ठीक है, उसके बाद आपको सिंपली करना क्या होगा, यहाँ पे देखिए इसे भी एक्सटेंड कर लेनी है जहाँ तक आपकी वीडियो है। उसके बाद यहाँ पे देखिए आपको लेयर में चले जाना है। उसके बाद टेक्स्ट में चले जाना है। टेक्स्ट में जाने के बाद यहाँ पर आप कुछ भी लिखना चाहते हो तो यहाँ पे लिख सकते हो। ठीक है, मैं यहाँ पर लिख देती हूँ।
ठीक है। उसके बाद आपको ए में चले जाना है, उसके बाद हैंड राइटिंग उसकी चेंज कर लेनी है, ठीक है, कहीं पे भी आप इसे रख सकते हो, ठीक है। उसके बाद यहाँ पे टिक कर देना है। टिक करने के बाद यहाँ पे देखिए आपको यहाँ पे लेयर पे चले जाना है, फिर यहाँ पे ओवरले में चले जाना है। ओवरले में जाने के बाद यहाँ पे देखिए ये वाली इफेक्ट्स आपको डाउनलोड कर लेनी है, स्प्रिंग बटरफ्लाइज वाली, ठीक है। इसे यहाँ पे देखिए नीचे गेट मोर का ऑप्शन मिल जाएगा, वहाँ पर से आप इसे डाउनलोड कर सकते हो, ठीक है। यहाँ पर से हम एक बटरफ्लाई ले लेते हैं। बटरफ्लाई लेने के बाद यहाँ पर देखिए आपको इसे रोटेट कर लेना है और यहाँ पर रख देना है, ठीक है, कुछ इस तरीके से। उसके बाद फिर से आपको लेयर में जाना है, यहाँ पे ओवरले में जाना है, आपको फिर से बटरफ्लाई वाले इफेक्ट्स ले लेनी है। बटरफ्लाई वाले इफेक्ट्स लेने के बाद यहाँ पे इसे नीचे रख देनी है कुछ इस तरीके से रोटेट करके, ठीक है। उसके बाद यहाँ पर देखिए इसे भी आपको एक्सटेंड कर लेनी है जहाँ तक आपको वीडियो में चाहिए, यहाँ पे देखिए। उसके बाद आपको ऑडियो पे चले जाना है। ऑडियो में जाने के बाद आपको एक सॉन्ग ले लेनी है, ठीक है। उसके बाद यहाँ पे प्लस के साइन पे चले जाना है, तो उसके बाद ऐसे कुछ इंटरफेस आपको देखने मिल जाएगा अपने वीडियो का, ठीक है। तो इस तरीके से आप अपने मोबाइल फ़ोन में वीडियोस बनाना चाहते हो हैप्पी बर्थडे वाला तो बना सकते हो। उम्मीद करती हूँ मेरी वीडियो आपको पसंद आई होगी। थैंक यू।